जय जिनेंद्र। मित्रों, आज हम देखेंगे कि हमारे श्वेतांबर जैन साधु एवं साध्वी जी दिगंबर जैन मुनि एवं माता जी को नमस्कार अर्थात उन्हें कैसे प्रणाम किया जाता है। मित्रों, यदि आप जैन हैं तो आप जानते ही होंगे हमारे साधु एवं साध्वी भगवंतों को कैसे प्रणाम किया जाता है, किंतु जो अजैन अर्थात नॉन जैन है वह इस भ्रांति में रहते हैं कि अन्य साधु साध्वियों की भांति जैन साधु साध्वियों को भी प्रणाम किया जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। मित्रों, मात्र 3 से 4 मिनट के इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको जैन श्वेतांबर एवं जैन दिगंबर दोनों ही पंथों के प्रणाम एवं नमन की विधि देखेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में एक अद्भुत सच्चाई भी बताई गई है। तो चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैन धर्म अत्यंत ही प्राचीन धर्म है और अरिहंत भगवान द्वारा दिखाए गए मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जैन साधु एवं साध्वी जी, जैन मुनि एवं माता जी, इल्लक एवं छुल्लक जी, चुल्लिका एवं ब्रह्मचारी जी आदि को कैसे नमन किया जाता है, इस वीडियो में यह हम क्रमानुसार देखेंगे। मित्रों, चलिए सर्वप्रथम देख लेते हैं कि हमारे श्वेतांबर साधु एवं साध्वी भगवंतों के नमन की विधि। मित्रों, श्वेतांबर पंथ में मुख्य रूप से साधु भगवंत एवं साध्वी भगवंत होते हैं। श्वेतांबर साधु भगवंतों को वंदन करने हेतु सर्वप्रथम 2 बार पंचांग खमासना दिया जाता है। यदि आचार्य भगवंत विराजमान हो तो सर्वप्रथम उन्हें ही नमन किया जाता है। मित्रों, पंचांग खमासना देते समय यह खमासना सूत्र बोला जाता है, इच्छामि खमासमणो वंदियुम जामणी जाय निसीहे आय मत्थैन वंदामि। उसके पश्चात खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर इच्छकार सुहराई सुह देवसी सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम यात्रा निर्वहो छो जी स्वामी साता छे जी भात पानी नो लाभ दे जो जी। उसके पश्चात यदि कोई पदवीधारी मुनिराज है अर्थात आचार्य उपाध्याय पन्यास एवं गणी है तो एक खमासमणा और दिया जाता है। उसके पश्चात खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर अबुठ्यो सूत्र बोला जाता है, यह इस प्रकार है, इच्छा कारण संदिशह भगवन अबुठ्योमि अभिंतर रायम खामे ओम इच्छम खामेमी रायम। यह कहकर नीचे बैठकर दाहिना हाथ गुरु महाराज के सामने नीचे स्थापना करके सिर झुकाकर निम्न पाठ बोला जाता है, जम किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनये वैयावच्चे अलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाय उभरी भाषाय जम किंची मज्ज विनय परिहीणम सुमम वा बायरम वा तुभ्ये जानह अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कड़म। मित्रों, इसके पश्चात एक खमासणा और दिया जाता है। मित्रों, यदि कोई श्रावक खमासणा देने में सक्षम नहीं हो तो वह भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक नमा कर मत्थैन वंदामि कहकर भी गुरु भगवंतों को नमन कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि दिगंबर जैन संघ में क्या नियम है। दिगंबर चतुर्विध संघ में मुख्य रूप से मुनि एवं माता जी के साथ साथ इल्लक शुल्लक शुल्लिका एवं ब्रह्मचारी भी होते हैं। दिगंबर संघ में आचार्य एवं मुनि भगवंतों को हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नमोस्तु किया जाता है, अर्थात दिगंबर जैन आचार्य एवं मुनि महाराज जी को 3 बार हाथ जोड़कर नमोस्तु बोला जाता है। इसी प्रकार से दिगंबर जैन माता जी को 3 बार हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर वंदामी माता जी बोला जाता है। मित्रों, इल्लक छुल्लक एवं छुल्लिका जी को इच्छामि बोला जाता है। प्रतिमाधारी ब्रह्मचारियों को वंदना कहा जाता है। धन्यवाद। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। साथ ही जिन शासन के और भी वीडियोस देखने हेतु सब्सक्राइब करना ना भूलें।